हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हमने अपने पास्ट कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि एक जेट इंजन को बनाना कितना मुश्किल होता है। खाली गिनी चुनी कंट्रीज हैं जिन्होंने सक्सेसफुल जेट इंजन्स बनाए हैं। हमारे द्वारा भी कोशिश करी जा रही है इस टेक्नोलॉजी में सक्सेस पाने की, जिसमें अभी तक तो हमें कंप्लीट सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन कावेरी प्रोग्राम से हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। जो ड्राई वेरियंट है वो फंक्शनल है और उसे हम फ्यूचर में अपने UKF में यूज़ करने वाले हैं। पर अभी भी प्रॉपर जेट इंजन बनाने के लिए हमारे द्वारा एक पार्टनर देखा जा रहा है, जिसके साथ मिलकर हम 110 किलो न्यूटन क्लास के जेट इंजन को बनाने वाले हैं। लेकिन हम बात यहां पर फ्यूचर की कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो चाइना ने यहां पर काफ़ी इम्प्रेसिव प्रोग्रेस करी है और वो जेट इंजन के मामले में कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट होने वाले हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि ये रशिया को भी सरपास करेंगे। और इसके पीछे बड़ा रीज़न जो है ये इनकी इकोनॉमी है, जो कि इनको सहूलियत देती है जेट इंजन की रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए, और यहीं पर रशिया मात खा जाता है। तो जितने भी चाइनीज़ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, भले ही वो रशियन प्लेटफॉर्म की कॉपी हों, इन सब में चाइनीज़ इंजन लगे आ रहे हैं, और जिनमें अभी तक नहीं लगे हैं उनमें लगाए जा रहे हैं। तो जितनी भी इनके पास फ्लैंकर सीरीज की कॉपी है, चाहे J-11 हो, J-16 हो, J-15 हो, ये रशियन AL-31 इंजन को रिप्लेस करके अपने खुद के WS-10 इंजन लगा रहे हैं, जिसके लिए कहा यह जाता है कि ये इंजन आइडेंटिकल परफॉर्मेंस देते हैं AL-31 की। साथ ही साथ जो इनके J-10 फाइटर हैं उनमें भी यही इंजन लगे आते हैं। तो ये इंजन ड्राई थ्रस्ट 89 किलो न्यूटन का प्रोड्यूस करने में सक्षम है और 120 से 130 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है। साथ ही साथ इन इंजन के जो नए वर्जन हैं, जिन्हें WS-10B कहा जाता है, ये 144 किलो न्यूटन का मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली AL-31 से भी ज़्यादा है। तो ये इंजन फिलहाल के लिए इनकी बैकबोन का काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत नए इंजन है या बहुत रिलायबल इंजन है, पर इनको धीरे धीरे रिलायबल बनाया जा रहा है और परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है। तो ये इंजन कम्प्लीटली इनका R&D वर्क नहीं है, ये बेस्ड है CFM56 इंजन पर, CFM इंटरनेशनल के, जो कि एक 70s का डिज़ाइन इंजन है और हाई बाईपास रेशियो का इंजन है। मैक्सिमम 140 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। तो इन्होंने इसी इंजन को बेस बनाया और 80s में WS-10 का प्रोजेक्ट चालू किया था। तो इस इंजन के साथ 2009 तक ये कहा जाता था कि जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी उसको ये रीच नहीं कर पाया था। फिर नए सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना द्वारा चालू करी गई, जिसके बाद से जो लाइफ स्पैन है इस इंजन का वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। उसके बाद से ये इंजन चाइना के नए J-10C के बैच में दिखाई देने लग गया, उसके बाद J-16 में लगाने लग गया और J-11B में लगाने लग गया। फिर पिछले साल ही J-15 को WS-10B इंजन के साथ देखा गया, और ये एक्चुअली एक बड़ी बात थी, क्योंकि नेवल फाइटर में अपने खुद के इंजन को लगाने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो ऐसे नहीं आता है। तो डेफिनेटली इंजन ने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जो है अचीव करी है। बाकी अब जो न्यूज़ आ रही है ये इनके दूसरे इंजन्स को लेकर आ रही है, जिसमें जो इनके J-20 में फिलहाल के लिए WS-10 इंजन यूज़ किए जा रहे हैं उनको रिप्लेस करने के लिए WS-15 इंजन का भी मास प्रोडक्शन चालू होने वाला है, जो कि मैक्सिमम 180 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड कराने में सक्षम है, जिसके बाद से जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी J-20 लैक करता था सुपर क्रूज की, उसको ये गेन कर लेगा। बाकी न्यूज़ ये भी है कि WS-10 इंजन जो है उसके सी वर्जन में चाइना द्वारा 98% लोकलाइजेशन अचीव किया जा रहा है। बाकी चाइना द्वारा एक और इंजन पर काम किया जा रहा है, जिसे WS-19 कहा जाता है। ये इंजन इनके FC-31 फाइटर या फिर J-35 में लगाया जाएगा और ये सेम कैटेगरी में होगा, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F414 है। तो इस इंजन को लेकर ये अपडेट है कि यहाँ पर इन इंजन को डेवलप करने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए उसका सप्लाई चेन इशू आ रहा है, जिसको चाइना द्वारा सॉर्ट करने की कोशिश करी जा रही है, और उस इशू के सॉर्ट होने के बाद से इस इंजन का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस इंजन के लिए कहा जाता है कि ये इंजन भी अराउंड 115 से 117 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा कर सकता है। साथ ही साथ एक और इंजन को लेकर यहाँ पर मास प्रोडक्शन चालू हो सकता है, और ये चाइना का WS-20 इंजन है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये WS-10 का ही डेराइवेटिव है, हाई बाईपास रेशियो वाला, और इसको इनके हैवी लिफ्ट Y-20 एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाना है।
तो परेशानी खाली सप्लाई चेन इश्यूज में है। उसके सॉर्ट होने के बाद ये इंजन भी इनके मास प्रोडक्शन में आ जाएंगे। तो इनके इन इंजन के मास प्रोडक्शन में आने के बाद खाली मिलिट्री नहीं, सिविल एयरलाइंस में भी ये इंजन इनके यूज हो सकेंगे। तो एक तरीके से जेट इंजन को लेकर जो वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस है उसे चाइना जो है चैलेंज करने वाला है। तो यहाँ पर चाइना की जो प्रोग्रेस है वो काफी इम्प्रेसिव है, पर इंडिया को भी यहाँ पर अपने जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में गति बढ़ानी पड़ेगी, वरना हम उस रेस में बहुत पीछे हो जाएंगे जहाँ हमें नहीं होना है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।